MAB मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज होता है। इसका फंक्शन ब्लॉक कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर एक इनपुट होगा जो फील्ड से सिग्नल आएगा, या कोई भी सिग्नल जो हमको सेंस कराना है और जिसका एवरेज निकालना है, वो हम सिंपल यहाँ पर इनपुट को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दो एरे हैं इसके अंदर, स्टोरेज एरे और वेटेड एरेज। तो इसके अंदर दोनों सिग्नल हम डालेंगे। ये एक तरह से एरे का मतलब होता है एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल को स्टोर करने की इसके अंदर। मान लीजिए इस टैग को हमने रियल बना दिया और रियल के अंदर हमने यहाँ 500 सैंपल डाल दिए, और ऐसे 500 नंबर ऑफ एरे जो है 500 हो गए, और ऐसे ही वेटेड का भी ये रियल सिग्नल बना दिया और इसके अंदर भी हमने 500 एरे डाल दी। ये काम कैसे करेगा? इसका आउटपुट दो तरीके से निकल सकता है। ये आउटपुट तभी निकलेगा जब इसका सैंपल इनेबल वाली बिट जो है बंद कर देंगे। एक बार सैंपल इनेबल की बिट अगर हमने बंद कर दी, उसके बाद ये आउटपुट निकालेगा। कैसे निकालेगा? उसके अंदर दो तरीके से आउटपुट निकालेगा। ये हमने लिखा है इफ यूज बिट्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाली जो बिट है ये बूल टाइप बिट है, ये बूल टैग है, अगर ये जीरो है तब तो सिंपल एवरेज निकालेगा, सिंपल आउटपुट। आउट इक्वल टू सम ऑफ इनपुट, जितने भी इनपुट होंगे वो और उसका सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल्स। मान लीजिए इस केस को एक समझने के लिए मैं 3 सैंपल ले लेता हूँ, 1 मान लीजिए IN 3 सैंपल ले लिया, IN1 इक्वल टू 1, IN2 इक्वल टू 3 और IN3 इक्वल टू 5। मान लीजिए ऐसे हमने 3 सैंपल ले लिए, तो 3 सैंपल का ये कैसे निकालेगा? अब इसमें क्या करेगा, ये सबको जोड़ेगा, 1 + 3 + 5, और नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, 3, तो 3, ये 4 + 5 यानी कि 9/3, यानी कि इसका जो एवरेज आएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल एवरेज यहाँ पर निकाल देता है। दूसरा तरीका है, दूसरा इसका तरीका ये है कि इसमें हम ये स्टोरेज एवरेज के हिसाब से निकालेगा। यहाँ पर हम स्टोरेज एरे को इस्तेमाल करके इसके अंदर जितने भी सैंपल हमने यहाँ टैग बनाया है उसके अंदर, यानी कि अगर हमने 500 का बनाया तो -1 यानी कि 499 सैंपल का हम यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमने यूज वेट को अगर बंद कर दिया, तब इस केस में ये स्टोरेज वेट एवरेज काम करना बंद कर देगा, तब हमारा वेटेड एवरेज निकलेगा। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? इसके अंदर हमें, जैसे इसमें तो हमारा स्टोरेज में कोई वैल्यू नहीं होती थी, वो इनपुट को स्टोर करता था, जैसे पहले स्कैन में उसने पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, वो स्टोरेज एरे में स्टोर करके एवरेज निकालता था। वेटेज में क्या होगा, वेटेज में हमको कुछ सेट करना पड़ेगा, यानी कि वेटेज जो एरे है, मान लीजिए इस एरे का नाम मैंने WA दे दिया, तो WA 0 से लेकर के WA 499, इस तरह के ये टैग बनेंगे, जितने भी टैग होंगे उसके अंदर हमें कुछ सेट करना पड़ेगा, जैसे 1, 2, 0 जो भी मतलब सेट करना है वो हम वेटेड के अंदर, एरे के अंदर हमें सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आउटपुट कैसे निकलेगा, इसमें क्या होगा, जो इनपुट होगा उसमें वेट का गुणा होकर के और फिर उसको ऐड करना है, यानी कि इस केस में हमारे पास सिंपल एवरेज नहीं है, ये वेटेड एवरेज है, यानी कि इसके अंदर हमें कुछ वेट सेट करना पड़ेगा, उस फैक्टर का इसके अंदर गुणा हो करके फिर उसको ऐड करके यहाँ पर ये आउटपुट निकालता है। इस तरह से ये वर्क करता है। MAB पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह का फंक्शन ब्लॉक आ जाएगा। अब इसके अंदर दो एरे यहाँ पर टैग ये कनेक्ट करने हैं और एक इनपुट का टैग कनेक्ट करना है। तो स्टोरेज एरे में हम एक एरे बना देते हैं, मान लीजिए मैं SA1 बना देता हूँ, 100 मान लेते बना देते हैं, ताकि इसमें हम सैंपल 100 सैंपल डाल देंगे। तो इसको बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रियल टाइप टैग होना चाहिए और इसके अंदर हम 100 सैंपल का बना देते हैं। मैंने यहाँ 100 सैंपल का एक एरे बना दिया। ऐसे ही एक हम वेट का एरे बना देंगे, मान लीजिए मैं WA 100 बना देता हूँ, ये भी 100 एरे का बना देंगे। इसको राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और इसके अंदर 100 एरे डाल देंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो ये एरे बन गए।
अब इसके अंदर एक इनपुट को कनेक्ट करना होता है, तो जो इनपुट हमारे पास पहले से आ रहा है PV1, उसको हम यहाँ पर PV_1 इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। एक बार इसको कनेक्ट करने के बाद इसको एक बार हम PLC के अंदर डाउनलोड करेंगे और बाकी चीज़ों को हम ऑनलाइन ही सेट करेंगे। ये हमारा लॉजिक डाउनलोड हो गया है। अब इसको ये देख पाएंगे जो भी यहाँ पर सिग्नल चल रहा है वही यहाँ पर आउटपुट निकाल रहा है, तो अभी ये सैम्पलिंग नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सैम्पलिंग तो ऑन है लेकिन सैम्पलिंग सैंपल में नंबर ऑफ सैंपल एक ही पड़ा है, तो एक ही सैंपल लेगा यानी कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट दे देगा। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं कुछ 80 या 90 सैंपल डाल देते हैं तो ये 90 सैंपल को लेकर के अपना आउटपुट देगा। अभी के केस में वेट यूज वेट्स इक्वल टू 0 है यानी कि ये सिंपल मूविंग एवरेज निकालेगा, यानी कि अभी ये 90 हमने यहाँ पर सेट कर दिए नंबर ऑफ सैंपल, तो 90 सैंपल्स का ये एवरेज निकालेगा और उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट जनरेट कर रहा है। आप देख पाएंगे ये एवरेज निकाल रहा है, तो ये तो एक पहले केस हो गया। अभी तो ये सीक्वेंस में चल रहा है, कई बार जो इनपुट्स का सिग्नल है कई बार हाई जाता है फिर लो जाता है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तब ऐसे केस में जो आउटपुट है वो सैम्पलिंग करके यानी कि हमने अभी 90 सैंपल डाले हैं तो 90 सैंपल करके वो हमको एवरेज देगा। जो भी एक स्कैन में आउटपुट निकालेगा वो 90 सैंपल्स को देख करके उसका सिंपल मूविंग एवरेज निकालेगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके अंदर एक दूसरा है कि अगर हमें सिंपल मूविंग एवरेज नहीं चाहिए तब हम इसमें वेटेड मूविंग एवरेज भी निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। पहली सेटिंग है ये सैंपल इनेबल तो इनेबल ही रहेगा यानी कि 1 रहेगा। ये जो यूज वेट है इसको हम 1 करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर 1 करेंगे और अप्लाई करेंगे तो अब इसका जो मूविंग एवरेज है वो वेट के अकॉर्डिंग चलने लगा। अभी के केस में ये 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी के केस में किसी भी एरे में कोई भी वैल्यू सेट नहीं की है। अब मैं एग्जांपल के लिए 2 एरे में कुछ वैल्यू सेट करता हूँ। मान लीजिए इसके अंदर हम 1 डाल देते हैं और सेकंड वाले के अंदर भी हम 1 डाल देते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे ये वेट के साथ मल्टीप्लाई करके मूविंग एवरेज निकाल रहा है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स के अंदर वेट का मल्टीप्लाई करके को सम करके ये आउटपुट निकालेगा, जैसे कि मैंने बोर्ड पे डिस्कस किया था। तो इस क्लास में बस इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।